महोदय, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार है और दिल्ली में बीते 10 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार। एनडीए सरकार ने हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पाटलिपुत्रा से मैक्सिमम सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन बदले में बिहार को मिनिमम सपोर्ट भी नहीं दिया। मैंने बिहार में 2004 से 2009 के बीच में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने 3 रेल कारखाने बिहार को देने का काम किया था। मिस्टर संजय यादव। धन्यवाद महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं, लेकिन एनडीए बीते 10 वर्षों में एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का हम विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि इनकी आर्थिक नीतियां चंद उद्योगपतियों में उत्साह, आय और आशा बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर आम देशवासियों में गरीबी और निराशा का संचार करती है और निराशा को बढ़ाती है। महोदय, इनकी आर्थिक नीतियाँ ऐसी हैं कि चंद उद्योगपतियों के उत्पाद हम सब 140 करोड़ भारतवासियों के घरों में आते हैं तो उद्योगपति अमीर से अमीर हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के किसानों के उत्पाद जैसे चीनी, दाल, गेहूं, चावल, सब्जी हम सब के घरों में जाते हैं तो वो किसान और ग्रामीण गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये इनकी आर्थिक नीतियों की विफलता है और ये विचारणीय विषय है, इन आर्थिक नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। महोदय, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक युवा आबादी वाला भी प्रदेश है। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार है और दिल्ली में बीते 10 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार है। इस एनडीए सरकार ने बिहार को गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बना दिया है। बिहार के किसानों की प्रति व्यक्ति आय देश में बिहार 28वें नंबर पे है और प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार देश में सबसे नीचे है और गरीबी में भी बिहार सबसे नीचे है। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य का रिश्ता जो है वो दिया और बाती और अंकुर और माटी का रिश्ता होता है, तो इन्होंने बजट में भी बिहार को छांट दिया, बिहार को कुछ नहीं दिया। जहाँ बिहार को स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता थी, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की आवश्यकता थी, वहाँ इन्होंने, इस एनडीए सरकार ने हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पाटलिपुत्रा से मैक्सिमम सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन बदले में बिहार को मिनिमम सपोर्ट भी नहीं दिया। बिहार में ना तो उद्योग लगाने का जिक्र है, ना कोई इंडस्ट्री क्लस्टर लगाने का जिक्र है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कपड़ा मंत्री भी बिहार से हैं। प्रधानमंत्री जी की एक योजना है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, पूरे देश में 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने की योजना है, लेकिन बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क का कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहीं बैठी हुई हैं, उनके संज्ञान में कुछ आंकड़े लाना चाहूँगा। बिहार का CDR क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देश में सबसे कम है, यानी बिहार के बिहारवासियों के आम बिहारवासियों से बैंक, कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा वहाँ डिपॉजिट होता है, लेकिन बदले में उनको कोई कर्ज और ऋण नहीं दिया जाता। आप KCC लोन पिछले 10 वर्षों के बिहार में आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने लोन दिए गए, अगर वो आंकड़े आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, उसके बावजूद बिहार में KCC लोन का डिस्बर्सल बहुत कम है, और ये तब है तब NPA बिहार में सबसे कम है, यानी वहाँ के लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी बैंकों का बिहार के प्रति नकारात्मक रवैया है। इस बजट में बिहार के लिए ना तो कोई नई ट्रेन शुरू करने का जिक्र है और ना ही कोई कारखाना। आखिरी कारखाना बिहार में 2004 से 2009 के बीच में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने 3 रेल कारखाने बिहार को देने का काम किया था। उसके बाद से बिहार में कोई कारखाना नहीं लगा। इन्होंने बिहार में एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ विशेष नहीं दिया, ना ही बिहार के सुप्रसिद्ध दुग्ध उत्पादों मखाना, मक्का, आम, लीची, केला इत्यादि को प्रमोट करने के लिए कोई प्रावधान और आवंटन किया, और ना ही बिहार में बंद चीनी मिलों का शुरू करने का कोई जिक्र है। चुनाव में प्रत्येक भाषण में दिल्ली से जब लोग बिहार जाते हैं तो हर बार आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम चीनी मिलों को शुरू कर देंगे, लेकिन कभी भी अभी तक 10 वर्षों में एक भी चीनी मिल इन्होंने शुरू नहीं की है। महोदय, इनकी रंगीन फाइलों में
किसानों का जीवन सुनहरा और कलरफुल इनको नजर आता है, लेकिन वास्तव में वो ब्लैक एंड वाइट और कोरा है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों का वक्तव्य सुन रहा था, ये किसान के आम आदमी के बारे में इतना कुछ कह रहे थे कि सब कुछ खुशहाल हो गया, संपन्न हो गया, किसान सर्वगुण संपन्न हो गया, उनमें इतनी खुशहाली आ गई, संपन्नता आ गई। लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आप अपने किसी परिवार में परिजनों को, बेटों को, बेटियों को किसान बनाना चाहेंगे? महोदय, इस बजट में इन्होंने ना तो कोई बिहार के संदर्भ में, मैं कहना चाहूँगा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, इन विषयों को एड्रेस नहीं किया गया। अतः मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के बारे में आप विशेष ध्यान दीजिए। आपको बिहार से विशेष समर्थन भी मिला है, आप मैक्सिमम सांसद भी आपके चुन के आए हैं। थैंक यू महोदय। थैंक यू नाउ मिस्टर रविचंद्र वद्दी राजू।